Hello friends, I'm Sharmila. In today's class, we are going to study about the quadratic equation. We will solve the quadratic equation by a complete square method. Last time we solved by a factorization method. So here, I took one sum, x square plus 4x minus 5 is equal to 0. तो ये सम सॉल्व करने के लिए मुझे पहले थर्ड टर्म क्या होती है वो फाइंड करना है. अब ये थर्ड टर्म क्या होती है ये फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, वो है थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. अभी ये इक्वेशन में ये है मेरा x और x का कोएफिशिएंट है 4. तो x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है. अभी यहां पे 2 1 2 2 2 4 एंड 2 का स्क्वायर है 4. यानी कि मुझे इक्वेशन में 4 ऐड करना है. अभी ये इक्वेशन के मैं दो साइड बना देती हूं. कैसे देखो, x स्क्वायर प्लस 4x is equal to 5. अभी ये plus 5 equation के वो side में जाके plus 5 बन जाएगा. अभी equation में दोनों भी side में मुझे 4 add करने का है. x square plus 4x plus 4 is equal to 5 plus 4. यहाँ पे और यहाँ पे मैंने दोनों side में 4 को add किया है. अभी मुझे ये side मिल गई और ये एक side मिल गई. ये side मेरा x प्लस 2 द होल स्क्वायर का एक्सपांडेड फॉर्म है. यानी कि ये कैसे बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और यहां पे मुझे मिलेगा 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9. 9 को हम 3 द होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं. अभी यहां पे मैंने 3 द होल स्क्वायर ऐसे लिखा. अभी दोनों साइड का मुझे स्क्वायर रूट लेना है. यहां पे स्क्वायर रूट लिया तो मुझे मिलेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. अभी मुझे यहां पे प्लस माइनस 3 दोनों मिला. यहां पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये 2 यहां पे प्लस है वहां पे जाके माइनस 2 बनेगा. अभी मुझे यहां पे x का वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस 2 and second type minus 9 भी सब consider करना है. x is equal to minus 3 minus 2. यहाँ पे मुझे answer मिलेगा plus 1. यहाँ पे मुझे answer मिलेगा minus 5. तो इस तरीके से मुझे x के दो answer मिले हैं, 1 and minus 5. So ये sum हम लोगों ने complete square method से इस तरीके से solve किया है. Thank you.